दोस्तों कट्टी माल होने के बावजूद भी ये नागिन इस घर में 8 दिन से रेगुलर रह रही थी। इन घर वालों का जीना हराम कर रखा था इसने। बार बार बरामदे से घुस जाती बिल के अंदर, तो दूसरे तीसरे कमरे में जाके निकलती। ऐसे करके इन घर वालों को परेशान कर रखा था इन्होंने। सीमेंट वगैरह भी किया, बिलों को बंद किया, फिर भी न जाने कैसे ये बिल ढूंढ लेती और वापस बाहर निकल जाती। जब भी इनको दिखाई देती और ये पास में आती, तब तक तो ये बिल में घुस जाती। दोस्तों ऐसे करते करते 7-8 दिन हो गए, परेशान हो गए थे ये, और काफ़ी परेशानी का सामना किया। और जो भी जानने वाले थे, जो भी छोटे मोटे रेस्क्यू, उनको बुलाया भी करी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई इनको। फिर इनको कहीं से प्रीतिश नेक सेवर के नंबर मिले और इन्होंने हमें कॉल किया। और कॉल करने के बाद हम वहाँ गए, तो दोस्तों हमने कम से कम 200, 300, 400 लीटर के समथिंग पानी डालना पड़ा बिल को खोद कर। और जगह कम थी वहाँ पर, तो भी हमने जैसे कैसे एडजस्ट करा और पानी डाला। पानी डालने के बाद कम से कम 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद जाके इस नागिन को हमने रेस्क्यू किया दोस्तों। और घर वाले समझ रहे थे कोई दूसरा सांप है, लेकिन ये तो इंडियन स्पिटिकल कोबरा निकला दोस्तों। और बहुत ही जानलेवा होता है दोस्तों, अगर हमें इसकी जानकारी नहीं हो और हमारा पाँव लग जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए हमने इसको व्यवस्थित रेस्क्यू कर लिया है दोस्तों। और एक चीज़ और ये है दोस्तों कि ऐसे सांप जब भी आपको दिखाई दे, तो आप इससे दूरी बना लें, क्योंकि इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वनम होता है, जो कि हमारे लिए घातक होता है। तो हमें सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ें। हाँ दोस्तों नमस्कार। हम आए हैं प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर दूर पलतान गांव में, और आप देख सकते हो ये इंडियन स्पिटिकल कोबरा है, जो कि नागिन है। और दोस्तों ये गर्मी की वजह से बहुत भाग रही है, और कम से कम 8 दिन से इस घर में रह रही थी ये, और घर वालों को रहना इसने दुश्वार कर रखा था। और दोस्तों इसको कई कई गेवन बोलते हैं, खरेस, गोकरू, पलटू, अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, जो नाड़ी तंत्र चलता है। और दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ इसकी कोई कॉपी नहीं कर रहा, ये जानलेवा हो सकता है। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपके साथ खतरा हो सकता है। हमारे पास इसका प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, इसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। और दोस्तों यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, प्रीति स्नैक सेवर, PRITI, प्रीति स्नैक सेवर, उसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। दोस्तों कोई सा भी जीव बिना गलती के नहीं काटता है, बिना गलती कोई सा भी जीव नहीं काटता, बिना गलती के कोई सा भी जीव काटता है। अगर हम उसको परेशान करते हैं, गलत तरीके से पकड़ते हैं, तब जाके बाइट करता है। और दोस्तों एक चीज और ये है कि अगर ये किसी को काट ले, अगर किसी को काट ले, बाइट कर ले, तो इंसान 30 से 40 मिनट के अंदर मर सकता है। तो जब कभी वैसा स्नेक बाइट करे, तो आपको जिला अस्पताल जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, जहाँ पर सांपों का एंटीवेनम मिलता है। एंटीवेनम मिलते हैं, आपकी जान बच सकती है। और झाड़ फूक के ओझा बुनी चक्कर में नहीं रहे, तांत्रिक बाबू चक्कर में नहीं रहे, वरना जान गाँव बैठोगे। तो इसी के साथ इसको हम सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिए हैं, और सबका सहयोग रहा। और इसने भी छोटी चूही खा रखी है, रेड खा रखा है इसने। और आप देख सकते हो इसकी जो उम्र होगी अभी कम से कम ये 10 साल की है, और इसकी जो हाइट है ये 2 फीट की है। एक बन्नी का ही है अपना, हाँ एक डब्बा हो तो बेटा बन्नी दे, बन्नी दे ऐसे कि प्लास्टिक की। एक चीज और, छोटी बात छोटी लिया बड़ी लिया नहीं था। अंडा अटे अटे अंडा अंडा भी वैसे के कई अटे अंडा अंडा भी वैसे के। अच्छा काफी समय से ले रही है, यानी पूरा एरियो में पे रखी है।
प्रशिक्षण है बाकी नहीं अगर निवे नहीं तो मानो पड़े नहीं 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 नॉर्मली है कहीं करना हमें सुमित आप दोस्तों खतरा इसी टाइम पे बना रहता है। तो आप सबसे एक बार फिर अनुरोध है कि सांपों को मारा नहीं, सांप प्रकृति का हिस्सा है क्योंकि इनकी वजह से हमारा वजूद है। अगर हम इनको मारेंगे फिर हमारा जीना भी दुश्वार हो जाएगा। तो YouTube पे हमारा चैनल है प्रीति स्नैक्स सेवन। हाँ जो जीजा है वो बात की थी मेरे को था ना कहे कि हाँ यहाँ है। हाँ दोस्तों ये है अंबालाल जी मेघवाल फलतान से जो कि हमारे रिश्ते में जिया जी हैं और ये बहन है। तो 8 दिन से परेशान हो रहे थे ये सांप की वजह से और छोटे छोटे बच्चे भी है घर में और सारा मतलब किसानी का सामान भी रखा हुआ था तो काफ़ी परेशान थे। तो इनको धन्यवाद है, इन्होंने बेजुबान को मारा नहीं बचाया है। तो बधाई के पात्र भी है और आप सबकी मदद से इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है, इसके अनुकूल वातावरण नजारा रिलीज कर दूँ। हाँ दोस्तों अभी पलतान गांव से एक स्पेक्टिकल कोबरा को यानी कि नागिन को रेस्क्यू करके लाए थे, इसको इसके अनुकूल वातावरण रिलीज कर देंगे। आप देख सकते हो